हमारे सूबे के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि हम सड़क पर किसी को पूजा नहीं करने देंगे। शायद आप लोगों को देखा होगा, मुख्यमंत्री ने कहा है, तो समय का इंतजार करिए, कांवड़ यात्रा कहाँ होगी। हम उन्हीं के बयान की बात करते हैं कि सड़क पर नहीं करने देंगे, कोई सड़क अपने घर थोड़ा खन के ले जा रहा है। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में यदि कोई बेबाकी से बोलता है तो उन नेताओं में एक नाम है ओपी राजभर, जो सुभाषपा के प्रमुख है। पिछले दिनों वो सुर्खियों में तब आए थे जब वीवीआईपी गेस्ट हाउस लखनऊ में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से मिले। किस बात को लेकर के मुलाकात हुई ये किसी ने खोलने की कोशिश नहीं की, बस इतना बताया गया कि अपने विधानसभा क्षेत्र के काम के लिए आए थे। फिर अपने दोनों बेटों को क्यों लाए थे इसका जवाब नहीं मिला था। आज जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो कहीं से उन्होंने संकेत नहीं दिया कि बीजेपी से उनकी कोई डील हो रही है, वो बीजेपी पे हमलावर थे। खास तौर से सड़क पे जो योगी ने नमाज रोका है उसको लेकर के वो भड़के हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ओम प्रकाश राजभर, इंतजार करिए, सदन चलने दीजिए। सहमत हैं कि नहीं इस बात से? प्रदेश में कोई ऐसा माइक लाल नहीं है पैदा जो ओम प्रकाश राजभर को कह दे कि सदन में सुरती मल के खा के सूत जाता हो। देखिए, आज मुझे खुशी है आपके सवाल पे। कल मैंने टीवी संजोग से, मैं यहाँ से गया तो टेलीविजन खोला तो देखा, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि हम सड़क पर किसी को पूजा नहीं करने देंगे। शायद आप लोगों को देखा होगा, मुख्यमंत्री ने कहा है, तो समय का इंतजार करिए, कांवड़ यात्रा कहाँ होगी। हम उन्हीं के बयान की बात करते हैं कि सड़क पर नहीं करने देंगे, कोई सड़क अपने घर थोड़ा खन के ले जा रहा है। अरे, इतने दिन से नमाज हो रही है, जो ही पूजा पाठ हम ही लोग हर कीर्तन करते हैं तो सड़क घेर के नहीं कर लेते हैं? दुर्गा जी की पूजा होती तो नहीं सड़क पर लगा लेते हैं मूर्ति? सरस्वती जी की पूजा, लक्ष्मी की पूजा सड़क ये पर तो बल्ली बांस गाड़ के कर लेते हैं, किनारे से रास्ता हो जाता है। ये तो अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो देश में संविधान है, संविधान में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी धर्मों के साथ इस तरह का हो। जैसा कि आपने सुना, वो साफ साफ कह रहे हैं कि नमाज यदि सड़क पर नहीं होगी, योगी का, मैंने सीएम योगी का बयान सुना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूछ रहे हैं कि अभी आने वाला है समय, कांवड़ यात्रा कहाँ निकलेगी और वो भक्त कहाँ चलते हैं, कहाँ रास्ता रोकते हैं। तो इन्होंने घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा, साफ संकेत दे दिया कि अभी उनके तेवर नरम नहीं हुए हैं। साथ में वो ये भी बोल रहे हैं कि विधानसभा में वो सुरती मलते हुए बैठने वाले नेता नहीं हैं, अब समय का इंतजार कीजिए, घेरेंगे, खूब घेरेंगे। आपको बता दें कि जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है तभी से ये चर्चा चल निकली है कि ओपी राजभर भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ेंगे। चर्चा तो यहाँ तक हुई कि वो दिल्ली जाकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलाए हैं और कोई ना कोई उनकी बात डील हुई है, लेकिन इसकी तस्दीक किसी ने नहीं की। राजनीति में होता क्या है कि जब भी ऐसी मुलाकातें होती है तो उसको गोपनीय रखा जाता है, और वही काम ओपी राजभर ने भी किया और बीजेपी ने भी किया। शिवपाल यादव के बारे में आपको याद होगा कि पता चला कि दिल्ली में जाकर के वो भी केंद्रीय गृह मंत्री से मिले हैं, बाद में वो योगी से मिले, तो सीएम योगी से जब मिले तो वो सार्वजनिक रूप से मिले, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की बात आज तक नहीं खुली। ठीक उसी तरीके से ओपी राजभर का भी है। ओपी राजभर कहते हैं कि वो तो सबसे मिलते रहते हैं, दयाशंकर सिंह से भी मिलते हैं, चुनाव पहले भी मिले थे, लेकिन अभी वो पत्ते नहीं खोल रहे हैं। तो क्या सिर्फ बात इतनी है? दो घंटे वीवीआईपी गेस्ट हाउस में क्या बात हुई होगी? ओपी राजभर चूंकि मजे हुए, अब राजनेता हो गए हैं, इसलिए जो है वो जब भी गुगली फेंकी आती है तो वो उसको अच्छे से खेल लेते हैं। अभी वो खेल रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो प्लानिंग चल रही है। जब तक उनकी डील हो नहीं जाती है तब तक तो वो वार करेंगे, सीएम योगी को घेरेंगे, बीजेपी को घेरेंगे, घेरते ही रहेंगे। और आगे की रणनीति भला आज तक किसी राजनेता ने बताया है जो ओपी राजभर बताएंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।